Please. Sir, I'm Rashid Karnani from Center Tool and Browse. I represent my company, and I will be... Is that working? वोटिंग था बॉन्ड कौन है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने पूरा ट्रैवल ट्रेड टूरिज्म और चैम्बर ने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इसमें सबसे पहले जो हमने बात रखी है कि जहां पे भी कंट्री हो, वर्ल्ड हो, जहां पे भी रीजन हो, वो सबसे अप्रोच होता है नेशनल हाईवे का। और हमारा रीजन सफर कर रहा है आज से नहीं, पिछले कई डेकेड्स से, और आज के डेट में हमारी पोजिशन वर्सन हो गई है। 15-15, 10-10 दिन हमारी हाईवे जो है डिस्कनेक्टेड रहती है, तो उन्होंने वो नोट किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने हमने बात रखी है, दे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक, तो मेरे ख्याल से ऐसा फोरम हमें जरूरत थी ताकि हमारी बात आगे पहुंचे। उस रीजन की इकोनॉमी सफर करेगी जब तक उसकी रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है। सो वी हैव बीन एश्योर्ड दैट दिस विल बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। और जो हमारी प्री बजट सेशन मुलाकातें होती थी, जो हमारा फीडबैक होता था, उसको हमने उनके सामने रखा कि हम ऑलरेडी मिले हैं। इस साल हमें कोई फीडबैक नहीं दिया गया स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही फीडबैक लेंगे और अनाउंसमेंट करेंगी जे एंड के गवर्नमेंट का जो बजट होता है एलोकेशन। तो हमने ऑलरेडी अपनी डिमांडें रखी है पिछले साल जब हम इन पर्सन उनको मिले हैं। सो लेट्स होप कि वो डिमांड वो मद्देनजर रख के बजट में एलोकेशन रखें, क्योंकि हमारी डिमांड जो है प्रेजेंट बिजनेसेस को और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एंड टू सेव द प्रेजेंट बिजनेसेस। सर आपके बगैर जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, होटल के रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस बोट के प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको ये जरूर बताऊंगा कि हमारे कल्चर के लोग, कल्चर जो हमारा आर्टिस्ट लोग हैं हमारे, जो कश्मीर के आप देखेंगे यस्टर ईयर्स में वो सफर कर रहे हैं, हमने उनके लिए कश्मीर फिल्म सिटी का डिमांड रखा है और उनके लिए एलोकेशन मोर टाइम इन डीडी कश्मीर भी बोला है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो वर्सन सिचुएशन हो गई है उसके लिए हमने इनको कहा है कि इट शुड बी मेड अकाउंटेबल कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं। जब आपका रोड बंद रहा तो गाड़ियां तो बंद ही रहेंगी, तो हु इज अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस। थैंक यू सर। सर डेलीगेशन से आप मिले तो क्या कुछ खास रहा? देखिए ये जो डेलीगेशन आया है हर साल आता है, पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन हर साल हमें ये इनवाइट करते हैं, जो हमारे मसाइल है वो सब हम उनके सामने रखते हैं और फिर ये देखते हैं जो भी इनके साथ मसाइल रिलेटेड हैं प्रॉब्लम, तो वो कोशिश करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले जाने के लिए और उनका तदारुक करते हैं। तो अभी तक तो वो लास्ट ईयर भी हमने किया है, खास कुछ इसमें अमल दरामद नहीं हुआ है, मगर हमें उम्मीद है दैट इस साल आप आए हैं वो, एंड हमें उम्मीद है हमने जितने भी मसाइल जो हैं हमारी इंडस्ट्री से वाबस्ता या हमारी यहाँ कश्मीर से वाबस्ता, जैसे कि एयरफेयर राइजिंग एयरफेयर है या यहाँ पर है कनेक्टिविटी, मतलब रोड कनेक्ट नेशनल हाईवे हमारी ठीक नहीं है, या यहाँ पर समझ लीजिए जो बारामूला से ट्रेन जाती है इधर बानिहाल तक, उसके बारे में सब चीज़ों के बारे में बात हो गई। और स्पेशली हमारी हाउस बोट इंडस्ट्री के लिए भी, उसके लिए भी हमने जितने भी मसाइल है वो बताए, उनके सामने रखे हैं और रिटन मेमोरेंडम भी उनको दे दिया है। अब वो डिपेंड करता है उन पर कैसे हल करेंगे क्या करेंगे, बट वी होप फॉर द बेस्ट। तब तो कुछ इसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू